जी अभी आ, कितना बज गया? सिक्स जो है फोर्टी फाइव एम हो गया है आज मैं थोड़ा तो जल्दी उठिया कुछ काम था तो उठना वक्त में सही रहता है नौ बजे के बाद मेरा टाइमिंग उल्टा पुलटा हो जाता है सीधा रात को आ जाता है ठीक है तो मैं आज थोड़ा उठा तो टाइम थोड़ा बचा तो मैं सोचा कि आ, एक वीडियो ही बना लेता हूँ जो है जो खारपी है ये आप देखिए पी पी हानिथ हारपी तो इसको मैंने अपने मुताबिक से आ, जो है जुगाड़ करके बनाया हूँ तो आप देख सकते हैं तो इसमें जो भी चीज़ें हैं आपका हैमर स्प्रिंग वगैरह बैरल सेरेल सब कुछ जो है कंपनी का ही सेटिंग में होगा ठीक है तो उसी सेटिंग में एक्यूरेसी कैसा देता है वो देखते हैं और उसमें एफ कितना होगा आ सके तो मैं क्रोनो करने को भी कोशिश करूँगा तो उसमें दो तीन मोबाइल लगाना होता है दिक्कत होता है मैं बताता है क्या क्या डाला जेडवेल डाला तो ये जेड जेडवेल्व और मैंने इसके साथ जो है थ्री हंड्रेड सी सी का एलुमिनियम का बोतल लिया था ठीक है एलुमिनियम का हल्का सा वेट रहता है पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है पर भी मैंने ये जो है आपका न, कितना था ये थ्री सिक्सटी का कार्बन फाइबर बोतल डाला है ठीक है तो आप डेफिनेटली पूछिए कहाँ से लिया जा सकता है तो हालांकि हमसे पहले बहुत लोगों ने बना रखा है मैंने किसी भी डिओ फोटो भी देखा है बता उन लोग कहाँ से लिया कैसे लिया पता नहीं है तो मैं आपको बताती है मैंने कहाँ लिया ठीक है ये जेद बेल जो है और जो त्रिहान सी सी के एलूमिनियम बोटल जो है वो मैंने आपका एयरहम स्टो तो इंडिया वहाँ से मैं परचेस करा तो उसमें प्राइस है ट्वेल्व के बारह हज़ार है तो प्राइस कैसा है कैसा नहीं सही पता नहीं है तो मुझे लगा कि मुझे टेस्टिंग करनी चाहिए तो इसलिए मैं लेके आया और ये बोतल जो है ये मैं अलग जगह से बाय करा ये जो है वो तो आउटडोर से मैंने परचेस करा आ, थे तो ये बोतल भी वो तो आउटडोर में अवेलेबल है इसका प्राइस साइज के मुताबिक आपको आ, होगा तो आप पूछेगा प्राइस कितना जाता है तो आप ये गन भी बिल्कुल नया है इसका प्राइस आ, ये बेल बोटल वो सब आप खुद से मिला के देखिएगा भाई आपका प्राइस निकल के आ जाएगा ठीक है तो ये मैं अपने लिए आ, बना के रखा है बस आज मैं इसको एकोरेसी टेस्ट करके देखता है जो है तारती टू मीटर नॉर्मली मेरा हर एक पे के तारती मीटर से रहता है शुरुआती रेंज उसी पे मैं ये छोटा सा नना सा पिस्टल को मैं टेस्ट करेगा एकुरेसी कैसा बन बनवाए तो आप हमसे शॉर्ट काउंट पूछेगा कि कितना देता है तो भाई फ़िलहाल मैं अब तक शॉर्ट काउंट टेस्ट नहीं करा ठीक है और इतना मैं फिटिंग के बाद चलाया भी नहीं है मैंने बस इसका एयर जो है लीकेज वग़ैरह है वो लीकेज हो रहा है कि नहीं तो कुछ दिनों से मैं ऐसे रखा हुआ था प्रेशर भर के तो जैसे मैंने भरा था वैसे ही प्रेशर है टू हंड्रेड बार पे ठीक है और एक चीज़ मैं बता दूँ ये जो जेल बेल है उनके साथ जो है प्रेशर गुएज आता है वो थोड़ा सा अलग से वन टू 3 लिखा है उसमें मुझे थोड़ा आ, वार को एग्जैक्टली समझ में दिक्कत में दिक्कत हुआ तो ये मैंने जो जो हार्पी का जो प्रेशर गोएज है प्रेशर होल उनका ही मैंने यहाँ लगाया ठीक है तो आप बोलेगा पितिंग कैसा करा जाए देखिए इसको पितिंग करना आप जानते हैं तो काफ़ी आसान है सही वे पे करते हैं पर भी अब ये लेते हैं तो जानकारी जो बंदा है ना उनसे ही पितिंग कर रहे हैं ठीक है अब वो चाहे बोलेगा भाई ऐसा क्यों जो जानते हो काफी आराम से करा जा सकता है जिसको इतना खास आइडिया नहीं है आप खुद से ना करें रिस्की वाला फैक्टर है तो मैं बताता है रिस्की क्यों है ये देखिए पी में जो एयर प्रेशर बनता है और जो नॉर्मली हमारे गाड़ी में बाइक में जो एयर प्रेशर बनता है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं तो काफी सारे भाई ने पूछा कि क्या हम गाड़ी का कंप्रेसर से यहाँ हवा भरा जा सकता है कि नहीं नहीं सकेगा भाई नहीं सकेगा बिल्कुल भी नहीं, नहीं सकेगा क्योंकि आपका कार का हो गया भले ही आपका ट्रक का टायर बड़े बड़े छक्के हाँ पे हवा डाल उनको देखकर लगता है वह इतना बड़ा चक्का भी हवा डालता है क्यों नहीं भरा जा सकता इतने चौथे से सिलेंडर में ऐसा सोचा जाता है ऐसा नहीं है तो जो गाड़ी में जो हम प्रेशर जो बनते हैं डालते हैं उसका पी एस आई अलग होता है मान के चलिए थ्री फिफ्टी फोर हंड्रेड ऐसा कुछ पी एस आई बनता है तो इसमें प्रेशर बनता है आपका टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर थाउजेंड कुछ का जो है पी एस आई बनता है वो ध्यान रखिएगा उतना पी एस आई बनना काफ़ी हाई प्रेशर होता है इसलिए आपका पैलेट को जो काफ़ी स्पीड से प्रोपेल कराने के पुश करता है ठीक है तो ये हाई प्रेशर से रिलेटेड होता है इसलिए मैं बोलेगा आप जानते नहीं है खुद से उंगली बेवजह ना करें ये एक हाई प्रेशर जो टैंक रहता है ना हाई प्रेशर पीसीबी भी जो भी रहता है काफ़ी तो जो है रिस्क फैक्टर उसमें शामिल रहता है आप वो चीज़ ध्यान दीजिएगा मैं मुझे जो लगा बता दिया ठीक है बाकी जुगाड़ करना नहीं करना वो आपका ऊपर है हालांकि जो भी चीज़ें को आ, आप बेसिक सा जुगाड़ करने जानते हैं तो बिल्कुल भी जो समाधान है ठीक है चले भाई ज़्यादा मैं नहीं बोलेगा ज़्यादा बोलेगी फिर लंबा हो जाएगा फिर, तो मैं इसमें यूज़ करेगा ओ में एक चीज़ बोल गया इसमें आप ये देखिए स्कोप मैंने यूज करा है कंस्टेंट तीन एप, एप, एप स्कोप है ठीक है काफ़ी बढ़िया स्कोप है भाई ये भी तो मैं पहले यूज़ करेगा नाइन पॉइंट फाइव सिक्स ट्रेन ये कंपनी सेटिंग में इस ग्रेन को कैसा चलाता है ताती क्या चलिए देखते हैं भाई देखते हैं ग्रुप वगैरह कैसा आता है जो है क्यू एस नाइन पॉइंट फाइव सिक्स ग्रेन आ, दो का पहले में ग्रुप बनाते हैं ओ ये तो बहुत ही प्लायर निकल गया भाई टेन, तो दोस्तों मैंने सेंटर के दस सौ ग्रुप बनाया पर उतना ख़ास रिजल्ट नहीं आया तो एयर प्रेशर तो अब भी एक जगह 200 दो सौ बार पे हुआ है क्योंकि ये नॉन रेगुलेटेड है तो इसलिए आपका हाई एयर प्रेशर काफ़ी मेटर करता है ठीक है तो सेंटर में उतना ख़ास रिजल्ट नहीं मिला तो फिर एक बार टॉप का जो है लेफ्ट है ना उस पर तीरह से दस का ग्रुप बनाता है तो अभी एग्जैक्ट दो सौ बार पे आया है पहले थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बन के था दस बार करीब ज़्यादा था तो दोस्तों मैंने बीस होस का ग्रुप बनाया अभी बाहर बाहर तीन को टारगेट बचा हुआ है तो उसमें एक एक सोच लगा के देखता है तो अब कितना आया है एयर प्रेशर ओ तो, वन तक भी नहीं पहुंचा है चलिए एक एक सोच का बाहरी बाहरी जो टारगेट दो थे वो तो सोच लगाते हैं ओहो हो गया अच्छा तो चलिए दोस्तों मैं आपको टारगेट दिखाता है कि क्या बना है तो दोस्तों मैं में टारगेट के सामने यहाँ तो बहुत बढ़िया आ रहा था इधर भी देखिए पर जब मेन टारगेट शूटिंग करने लगा ना इसमें सही नहीं आया भाई तो ये पहला आ, मेरा जो है ग्रुप था दस राउंड का आ, एक दो तीन आ, बाहर गया तो आ, ये एक कोइन दस राउंड का ग्रुप है इसका अंदर है फिर क्योंकि इसमें जब मैं शॉट लगा रहा था एयर प्रेशर जो है दो सौ पाँच ना दो सौ दस दो सौ पाँच कुछ बार थोड़ा सा ऊपर चला गया हुआ था ठीक है तो ये एग्जैक्ट यहाँ में टू हंड्रेड बार पे आया तो इसका ग्रुप ये देखें थोड़ा सा पता नहीं का ग्रुप है उसके बाद फिर में एक शोट लगाए नहीं लगा एक शोट लगाया नहीं लगा नहीं लगा ठीक है तो रिजल्ट ये है 9.56 ग्रैन मुझे तो इतना पसंद नहीं आया मुझे इससे बेहतर चाहिए इस टाइप का ग्रुप चाहिए था भाई यहाँ नहीं हो पाया तो दोस्तों ट्वेंटी थ्री सोर्स मैंने चलाया उसके बाद कितना एयर प्रेशर बचा है आपको दिखाता है आ, तो जब मैं पहला सोर्स करता करने शुरू करा ना 200 बार से थोड़ा तो ज़्यादा था अभी ट्वेंटी थ्री सोर्स के बाद आप देखिए इतना वन 190 बार तक भी नहीं पहुंचा है 23 तो थ्री के बाद तो दोस्तों मैंने आपको <coughs> ये जो टीपी तो हान हारती है ये सब सेटअप के बाद मैंने आपको तरती तो मीटर पे 9.56 पॉइंट ग्रेन का साथ कुछ ग्रुपिंग दिखाने को कोशिश करा तो मैं एयर प्रेशर देखा था पर आंख का दिक्कत के कारण ना मैं क्लोज को मेरा आंख ब्लर हो जाता है चश्मा भी थोड़ा अभी इशू है तो ये था 200 से ज्यादा था एयर बार जो अभी आप देखिए 23 थ्री के बाद भी आ, आपको दिख पा रहा है कि नहीं ट्वेंटी थ्री लगाने के बाद भी ये आपका हाँ अभी 190 नाइनटी बार मान के चले उतना ही एयर प्रेशर है ठीक है तो उतना ख़ास मुझे रिजल्ट नहीं मिला उस दिन एक सर का चला के देखा काफी बेहतर रिजल्ट आया पर भी उसमें कंपनी सेटिंग से थोड़ा सा अलग सेटिंग था काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया तो मैं इसको और जो है बेहतर करने कोशिश करूंगा ठीक है तो दोस्तों आ, फ्यूचर अपडेट के लिए आप आ, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा और जो भाई को जरूरी है आ, उनको शेयर कर दीजिए ठीक है तो इनको ये मैंने टेस्टिंग कर लिया ठीक है यार लीकेज विकेज कोई इशू नहीं है अभी मैं अलग कुछ टेस्टिंग करूँगा तो जैसे ही इम्प्रूवमेंट होता चलेगा मैं जो है आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेगा ठीक है तो जो आ, मैंने करा आपको बताया ये देखे हने धार की तो और तो कुछ है नहीं आ, आपने प्रैक्टिकली ये ग्रुपिंग वगैरह देखा इतना खास नहीं आया तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बताना भाई लोग hmm. और मैं क्या बोलने वाला था बोल गया भाई फिर यही दिक्कत है क्या बोलने वाला था ओ मैं क्रोनो करने को कोशिश करा पर ये जो आज एस जो उसको रीड नहीं करा क्रोनोग्राफ इशू है ना एपीएस पी एस ज्यादा लो होने के कारण रीड नहीं हुआ पता नहीं किस कारण तो इन फ्यूचर के भी दिन रीडिंग आता है सही काम करता है तो मैं जो है आपको मैं अपडेट करता है ठीक है भाई तो चले भाई मिलते हैं किसी और जो है नए वीडियो के साथ